तो गाइस हमारे बाइक के साथ एक प्रॉब्लम हो चुकी है। यहाँ पे जो है बाइक का बैटरी पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है, चालू करने पे आप देख सकते हैं, और ना ही जो बाइक है वो चालू हो रही है अपनी। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना सीट खोल दिया, बैटरी भी निकाल दी है, एंड रेड एंड ब्लैक कलर का जो कनेक्शन है मैंने अपने बड़े बैटरी से कर दिया, इन्वर्टर की बैटरी से, लेकिन तब भी जो है यहाँ पे डिस्प्ले में करंट नहीं आ रहा है। तो अपन को यहाँ पे अपने को इसका फ्यूज़ चेक करना पड़ेगा। मेरे को लगता है यहाँ पर गाड़ी का फ्यूज़ चला गया है। तो फ्यूज़ बॉक्स जो है मोस्टली शायद पब्लिक को मिले ना, तो मैंने जस्ट चेकआउट किया तो यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स है। तो यहाँ से रिमूव करने के बाद यहाँ पे एक रबर का कैप आता है, उस रबर कैप में आपको एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़। तो ये रबर कैप मैंने जो वहाँ से निकाला, एंड इसमें जो है अपने को एक्स्ट्रा फ्यूज़ मिलता है, अगर अपना जो फ्यूज़ उड़ गया है तो उसको रिप्लेस करने के लिए। तो फिर अपन इसको करते हैं अभी रिप्लेस, देखते हैं अपनी गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। तो पहले तो मेरे को ये कैप निकालना पड़ेगा, ये जो है रबर कैप पीछे ढकेल के, ये रेड पॉइंट जो है, रेड बॉक्स जो दिख रहा है आपको, ये निकाल के उसमें जो फ्यूज़ रहेगा ब्लू कलर का उसको रिमूव करके अपने को इंसर्ट करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे करेगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। इसको को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है निकालना, लेकिन निकल तो जाएगा, निकल गया शायद। ये फ्यूज देख रहे हैं अभी, इस फ्यूज़ जो है शायद डैमेज हो चुका है, इसको निकालता हूँ मैं। ये देखिए, देख पा रहे आप, तो ये फ्यूज़ जो है मैंने यहाँ से निकाल दिया है, अभी इसको अपन रिप्लेस करते हैं दूसरे फ्यूज़ से, जो अपने को इसमें दिया हुआ एक्स्ट्रा। तो मैंने यहाँ पे फ्यूज़ भी इंसर्ट कर दिया, देखो अब मैं इसको करता हूँ कनेक्ट वापस से। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपना देखिए बैटरी बराबर से पैक भी कर दिया है, एंड इसे कनेक्शन भी दे दिया, फ्यूज़ को भी बराबर प्लेस कर दिया है, एंड अब देखते हैं अपनी बाइक चालू होती है या नहीं। बोला जय श्री राम। यस, डिस्प्ले भी चालू हो गया है। थोड़ा सा आई गेस अभी भी जो इंजन का प्रॉब्लम है यहाँ पे दिखा रहा है, मेरे को ये शोरूम में दिखाना पड़ेगा कि इंजन का क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है। पता नहीं कुछ इशू हो सकता है, या तो फिर प्रोग्रामिंग किट में इशू हो सकता है, या कुछ वायरिंग में डिफॉल्ट हो सकता है जो दिखा रहा है इंडिकेट। फिलहाल तो देखते गाड़ी चालू होती है।